सो दोस्तों, ये व्लॉग यार होली के दिन तो मैं नहीं डाल पाया क्योंकि यार मेरे पास बहुत काम थे और मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो अब मैं जो है व्लॉग डाल रहा हूँ, तो काफ़ी टाइम के बाद होली का व्लॉग आ रहा है। इसमें आपको होली का व्लॉग भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो है हमारे स्टाफ से भी आप लोगों को मिलाऊंगा कि हमारे स्टाफ में कौन कौन है, कैसे हैं और कैसे जो है हमारी दिनचर्या गुजरती है होटल में, सारा कुछ बताऊंगा आपको। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मिलाते हैं यार आपको अपने आउटलेट मैनेजर से, मतलब कि जो हमारे मैनेजर सर हैं, बिहार से हैं, सरवन नाम है सर का। और अभी जो है आपको दिखाते हैं कि सर और हमारे बीच कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अभी तुम्हारा भाई दे रहा है क्लोजिंग, अभी मतलब कि अनट्रेन हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ। हमारे मैनेजर सर हैं, बहुत ही मतलब कंजूस भी हैं और बहुत ही गुस्से वाले भी हैं, कभी कभी भयंकर गुस्सा आता है। तो देख लिया होगा यार सर के साथ, तो काफ़ी कूल अंडरस्टैंडिंग है। और ये है यार हमारे शक्ति ब्रो, जो कि नेपाल से हैं, बट लगता नहीं है कि ये नेपाल से यार। इनका बिहेवियर और इनका बोलचाल करने का जो तरीका है वो ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान के ही हैं। तो काफ़ी प्यार प्रेम है यार हम जो है भाइयों में, मतलब अपने एक ही एज के हैं तो सारे जो है फ्रेंड बन चुके, दोस्त बन चुके, एक फैमिली मेम्बर जैसे जैसे वाइब आती है। दोस्तों अभी हो रही है सामान की चेकिंग, ऐसे जो है मीजा की फ़ोटो फोटो ले जा रही है, सारे सामान चेक किए जाते हैं, उसके बाद फ़ोटो जो है ग्रुप में भेज जाती है जो भी जितने भी किचन मैनेजर होते हैं। और आजकल ये काम हमारे सेफ साहब के ऊपर है, तो सेफ साहब बड़ी बखूबी से अपना कार्य निभा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो टेस्टिंग चल रही है, तुम्हारा भाई टेस्ट करेगा। तो पहले टेस्ट करेंगे हम दही कबाब, ठीक है। ये है यहाँ पर दही कबाब जो सेफ साहब ने नीचे पर रखा, तो तुम्हारा भाई इसको चेक करेगा क्योंकि तुम्हारा भाई भी कभी टाइम में किचन मैनेजर बन जाएगा। तो वाह, अति उत्तम। अब बारी है पनीर, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। पनीर की, पनीर को मैं दूंगा 2 में से 10 में से 9 अंक। सब आप कितने दोगे? मेन बारी स्प्रिंग रोल की। ये अपने सेफ साहब दाल चेक कर रहे हैं, ये देखो ऐसे चेक किया जाता है स्टाफ की दाल, अच्छी नहीं हुई तो डे भी लगेगा नाम पे। ये हमारे क्या मौज आ गई, मौज आ गई, मौज बोल हो गया स्टाफ। तो देखो दोस्तों, पूरी रोड आज खाली है क्योंकि होली आया, होली में सबकी छुट्टी है सिवाय हमारे। यहाँ पे देखो पूरी रोड खाली है, सिर्फ मैं ही चल रहा हूँ, 2-4 बंदे और चल रहे रोड पे। ये देखो घर पर होली मना रहे हो और यहाँ हमारी होली कैसे मन रही है देख सकते हो। ये सारी तैयारी जो है रात के लिए हो रही है और यहाँ पे देख सकते हो ये सारी बिरयानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिरयानी अलग से लगा रखी है। और सामने वो रेड रेड डब्बे दिख रहे हैं आपको, उसमें दाल मखनी रेडी हो रखी है। और क्या है उसमें लाल वाले में, क्या है कोफ्ता रखा हुआ है। ये भी सारा जो है होली की तैयारी हो रही है, तो समझ सकते हो यार ऑनलाइन डिलीवरी वालों में क्या सीन होता है। यहाँ पे देख सकते हो यार पूरा, और यहाँ पे जो है हमारा टमाटो स्टॉक भी चढ़ चुका है। तो देख सकते हो यार सामने कितने सारे ऑर्डर जो है तैयार हो चुके हैं, अब राइडर आने की देर है। वहाँ पे देख सकते हो यार कितने सारे ऑर्डर हैं और ऑर्डर यहाँ लग रहे हैं, अभी आधे ऑर्डर जो है लगा के रख चुके हैं। मतलब कि दाल मखनी जो है वो सब बनी हुई है और एक बॉक्स में उनको रखा हुआ है। तो देख सकते हैं होली के दिन कितना मेहनत करना पड़ता है उन लोगों को, जो ऑर्डर लाइन में रहते हैं यार उनके लिए काफ़ी टफ हो जाता है। होली के दिन त्यौहार के दिन काफ़ी जो है चलता है, तो काफ़ी खराब हो गया। सामने का ही देखना भाई कितने सारे हैं, और आज हमारे साथ एक और बंदा भी आ रखा है जो कि चेन्नई से फेवरेट दूसरे प्रांत से यहाँ आया है, तो काफ़ी हमें खराब हो गया। और अभी जो है 7:12 बजे तक हम आ जाएंगे, तो देखते हैं क्या सीन होता है आगे आगे, कितनी हालत खराब होती है। अभी तो देर ही रहे हैं जैसे तैसे करके, जैसे सामने पे इतने सारे ऑर्डर यहाँ पे बचे हुए हैं।